आज मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि तुम्हारे एक-एक सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें याद होगा, तुमने सबसे पहला सवाल मुझसे किया था, और हो सकता है कि तुम भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला। तुमने सबसे पहले सवाल मुझसे यही किया था कि बाबा, जब जब जो जो मांगता है तुम उसको वो देते हो, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम्हारी बारी में तुम जो मांगते हो हमेशा उसका उल्टा ही क्यों मिलता है? तुम जो जो मुझसे मांगते हो वो तुम्हें क्यों नहीं मिलता? तो मैं आज पहले सवाल का तुम्हारे जवाब देता हूँ कि तुम्हें पता है, वो लोग जो मुझसे मांगते हैं वो उतना ही मांगते हैं जितना उनको चाहिए है, और इसलिए मैं उनको उतना ही देता हूँ। लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशें अलग हैं, तुम्हारे सपने अलग हैं, तुम्हारी सोच अलग है, और मुझे पता है कि मुझे तुम्हें कहाँ पर लेकर जाना है, और यही कारण है कि मैं तुम्हें वो देता हूँ जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और यही कारण है कि तुम मांगते तो उतना हो जितना तुम्हारे लिए पर्याप्त है, लेकिन मैं तुम्हें उतना देना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए, दूसरों की मदद के लिए भी पर्याप्त हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी सोच सिर्फ स्वयं तक सीमित नहीं है, तुम खुद तक नहीं सोचते हो, ना ही तुम्हारा वो स्वभाव है, और यही कारण है कि तुम्हें मैं वो देना चाहता हूँ जो मैं देना चाहता हूँ, और इसलिए तुम्हें कभी कभी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो तुम मुझसे मांगते हो। तो ये रहा तुम्हारे पहले सवाल का जवाब। तुम दूसरा सवाल, बहुत सारे बच्चे मेरे शिरडी आ चुके हैं, मेरे दर्शन कर चुके हैं, शिरडी की द्वारका माई में आकर बैठ चुके हैं, लेकिन तुम मुझसे एक सवाल करते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हुई है कि तुम आज तक शिरडी नहीं आ पाए हो? तो उसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मेरा हर बच्चा शिरडी आ चुका है, बहुत सारे बच्चे सीढ़ी आ चुके हैं, इसलिए क्योंकि वो बहुत साधारण तरीके से सीढ़ी आते हैं और आके मेरे दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन तुमने जिस तरीके से वादा किया है, तुमने जिस तरीके से अपने आप से कसम खाई है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसी तरीके से मेरे दरबार में आओ। मैं चाहता हूँ कि तुमने जितना अपने आप को तड़पाया है, तुम जितना तड़पे हो, तुम जितना दुख तुमने झेले हैं, मैं चाहता हूँ कि अब उन दुखों का अंत हो जाना चाहिए, और यही कारण है कि मैंने तुम्हें अभी तक सीढ़ी क्यों नहीं बुलाया। सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिस तरीके से सीढ़ी आते हो और आना चाहते हो, तुम उस तरीके से सीढ़ी आओ, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैं बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मन की हर एक मुराद पूरी हो, और यही कारण है कि तुम अभी तक सीढ़ी नहीं आए हो। तो समझे, ये तुम्हारे रहे दूसरे सवाल का जवाब। बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे मन में और बहुत सारे जवाब हैं मेरे मन में। मैं तुम्हें हर एक सवाल का धीरे धीरे जवाब दूंगा, तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ तुमसे और कैसे कैसे चाहता हूँ, और तुम यकीन मानो तुम्हारे हर एक सवाल को धीरे धीरे ही सही पूरा होता मैं देखना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे हर एक काम को पूरा करवाऊंगा। तुम बस तसल्ली रखो और मुझ पर विश्वास रखो। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।